हेलो दोस्तों, एग्रीनाइट यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। आइए हम आज की वीडियो में अध्ययन करते हैं फर्टिलाइजर, इसे हम हिंदी में जानते हैं उर्वरक। उर्वरक क्या है, इसका उपयोग क्या है, आइए देखते हैं हम लोग। फर्टिलाइजर आर इंडस्ट्रियली मैन्युफैक्चर्ड केमिकल्स कंटेनिंग प्लांट न्यूट्रिएंट्स। का मतलब है कि फर्टिलाइजर क्या है, फैक्ट्रियों में तैयार किया गया वह न्यूट्रिएंट है जो क्या करता है, फसलों में पोषक तत्वों की सप्लाई करता है। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, न्यूट्रिएंट कंटेंट इज हायर इन फर्टिलाइजर देन इन ऑर्गेनिक मैन्योर्स। कहने का मतलब है कि फर्टिलाइजर में मैन्योर की अपेक्षा अधिक मात्रा में पोषक तत्व पाए जाते हैं, जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीज, सल्फर, जिंक एक्सेट्रा। एंड न्यूट्रिएंट्स आर रिलीज्ड ऑलमोस्ट इमीडिएटली। फर्टिलाइजर जो है मैन्योर के कंपेरिजन में हाईली डिजॉल्व होके प्लांट को अवेलेबल हो जाता है। क्लासिफिकेशन ऑफ फर्टिलाइजर, हम फर्टिलाइजर के वर्गीकरण के देखते हैं, जिसमें हमारा मुख्यतः है स्ट्रेट फर्टिलाइजर, उसके बाद हो गया हमारा स्ट्रेट फर्टिलाइजर के बाद है सेकंड है पहला स्ट्रेट फर्टिलाइजर, सेकंड है बाइनरी फर्टिलाइजर, थर्ड है टर्नरी फर्टिलाइजर, फोर्थ है कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर, फिफ्थ है मिक्स्ड फर्टिलाइजर, सिक्स्थ है कंप्लीट फर्टिलाइजर एंड सेवन्थ है इनकम्प्लीट फर्टिलाइजर। आइए हम लोग देखते हैं स्ट्रेट फर्टिलाइजर क्या है। सप्लाई ऑफ ओनली वन प्लांट न्यूट्रिएंट्स, एग्जांपल यूरिया, एमओपी, एसएसपी। कहने मतलब ऐसे उर्वरक जो केवल एक पोषक तत्वों की पूर्ति करते हैं, जैसे हमारा यूरिया, एसएसपी, एमओपी। आइए बात करते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ फर्टिलाइजर, बाइनरी फर्टिलाइजर। कंटेन्स टू प्राइमरी प्लांट न्यूट्रिएंट्स, एग्जांपल डीएपी एंड पोटेशियम नाइट्रेट। कहने मतलब ऐसे उर्वरक जो दो प्राइमरी मेजर प्लांट न्यूट्रिएंट्स की क्या करते हैं, पूर्ति करते हैं, जैसे हमारा डीएपी। डीएपी जो है नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों की पूर्ति करता है। बात करें टर्नरी फर्टिलाइजर की, कंटेंस थ्री मेजर प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स। कहने मतलब ऐसे उर्वरक जो तीनों प्राइमरी पोषक तत्व जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम शामिल है, वो तीनों क्या करता है, पूर्ति करता है। इसका एग्जांपल है अमोनियम, पोटेशियम फास्फेट, या जो है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम भी क्या करता है, पूर्ति करता है। उसके बाद हम लोग बात करें कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर, कंटेंट्स एटलीस्ट टू मेजर प्लांट न्यूट्रिएंट्स, एग्जांपल डीएपी। कहने का मतलब ऐसे प्लांट न्यूट्रिएंट्स है जिनके सप्लाई से कम दो प्राइमरी तत्वों की उपलब्धता हो, जिसके एग्जाम्पल हमारा डीएपी है। बात करते हैं हम लोग मिक्स फर्टिलाइजर की, दे आर फिजिकली मिक्सचर ऑफ स्ट्रेट फर्टिलाइजर। मिक्स फर्टिलाइजर जो है प्राइमरी रूप से स्ट्रेट फर्टिलाइजर ही होते हैं, इनको एक मिक्सचर बनाया जाता है, जैसे मान लीजिए यूरिया, डीएपी, एमओपी तीनों मिला के हम अप्लाई कर देंगे, ये दो से अधिक प्लांट न्यूट्रिएंट की पूर्ति करेंगे। बात करें हम लोग कंप्लीट फर्टिलाइजर की, हैविंग ऑल द थ्री प्राइमरी मेजर न्यूट्रिएंट्स, नेमली नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। कहने का आशा है कि ऐसे उर्वरक को हम कंप्लीट उर्वरक कहते हैं जिसमें हमारे तीनों प्राइमरी पोषक एलिमेंट जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम की पूर्ति हो। बात करते हैं इनकम्प्लीट फर्टिलाइजर की, कंटेनिंग एनी टू प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स। यानी मतलब ऐसे फर्टिलाइजर जो दो पोषक तत्वों की पूर्ति करे, उसे हम क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट फर्टिलाइजर। यानी मतलब उसमें तीनों प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स की पूर्ति नहीं होगी, या तो नाइट्रोजन फास्फोरस होगा, या तो नाइट्रोजन पोटेशियम होगा, या तो फास्फोरस पोटेशियम होगा, इसमें तीनों प्राइमरी न्यूट्रिएंट नहीं होंगे। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो लाइक शेयर एवं
कमेंट करें, आपके कमेंट के अनुसार आपका आपके कमेंट का रिप्लाई दिया जाएगा। दोस्तों जय हिंद।